जी भाई, अगर आप सब दो स्टोरीज मैं शेयर करूं जो पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस की या मैंने सुनी फर्स्ट हैंड। देखिए, एक हमारा हमारे ऑडियंस में से कोई जो है स्केप्टिक, वो ये सुन के कह सकता है कि यार ये लोग जो है ना ये साइकोलॉजिकल पेशेंट्स होते हैं, इनको कोई ना कोई ट्रॉमा हुआ होगा बचपन में जिस वजह से इनका दिमाग हिल गया, दे माइट बी हियरिंग देयर ओन वॉइसेस। ठीक है, अगर आप उस तरह स्केप्टिकली इसको देख रहे हैं ठीक है, मगर आई थिंक हमारा काम ये प्रेजेंट कर देना जो हमने चीजें सुनी हैं, जो हमने चीजें पढ़ी हैं, बाकी ऑडियंस जो है खुद अपना फैसला कर सकते हैं कि वो उसको किस जाविये से देखना चाहते हैं। मैं क्योंकि काफी ज्यादा नॉन मुस्लिम्स के साथ भी डील करता हूँ ऑनलाइन चैट पे, मेरी उनके साथ काफी गपशप होती है, और मैंने एक गालिबन आप लोगों के साथ चैट शेयर की थी। उस चैट में मेरे पास अली भाई एक बंदा आया, वो कहता है कि मैं कबालिस्ट ज्यूइश फैमिली से बिलोंग करता हूँ। कबाला जो है ना इनका एक मिस्टिसिज्म है यहूदियों का, और मेरे पेरेंट्स भी जो हैं वो भी इसी प्रैक्टिस इन्हीं प्रैक्टिसेस के अंदर हैं, और हम असल में यहूदी नहीं हैं लेकिन वी पोर्ट्रे आर सेल्व्स एज ज्यूज। उसने मेरे से पूछा कि तुम मुझे बताओ ये महदी कौन है। तो मैंने उससे पूछा कि तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। कहता हम लोगों को कहा गया है कि इसको गालियाँ दो, हम लोग महदी को गालियाँ देते हैं, हम ईसा अलैहि सलाम को गालियाँ देते हैं, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ देते हैं, हम बाइबल को फाड़ते हैं, हम उसके पेजेस को फ्लश करते हैं, इस तरह की बातें। तो क्योंकि मैंने ये चीज़ें इन द पास्ट कुछ पढ़ी हुई थी, अब मेरे पास सामने एक बंदा आया जो इन चीज़ों का एतराफ़ कर रहा है, तो मैंने फिर उससे सवाल करना शुरू किया। तो मैंने पूछा तुम ये क्यों करते हो। कहता हम ये शैतान के लिए करते हैं। मैंने कहा क्या उससे तुम्हें फ़ायदा होता है। तो कहता कि शैतान ना हमें कुछ पावर्स देता है। अच्छा, ये लड़का जो था ना ये डिस्टर्ब था कि इसकी फैमिली में क्या हो रहा, तो वो ही डिडंट नो व्हाट टू डू, तो वो हमारे किसी तरह हमारे पोर्टल पर आके ना मेरे से ये बातें करने लग गया। तो मैंने उससे पूछा क्या शैतान तुम्हें देता है, क्या चीज़ तुम्हें मिलती है उससे। तो कहता जब हम इस किस्म के काम करते हैं ना, इस किस्म के घटिया काम जब हम करते हैं, और उसने ये चाइल्ड सैक्रिफाइस का भी जिक्र किया, जिसके बाद मैंने उससे पूछा क्या तुम लोगों को पुलिस वगैरह नहीं पकड़ते, तुम लोगों को तुम चार्ज नहीं होते। कहता है कि माय फादर एंड हिज फ्रेंड्स दोज हु प्रैक्टिस दीज थिंग्स आर एट द यू नो हाईएस्ट सीट्स ऑफ पावर कंट्रीज के अंदर, तो उनको इतना कोई मसला वगैरह नहीं होता। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें शैतान क्या चीज़ तुम्हें देता है। कहता है कि फॉर एग्जाम्पल शैतान, मेरे अब्बू जो हैं वो घर बैठे होंगे तो शैतान उनकी जगह जो है ना उनके काम पे काम कर रहा होगा, उनके वर्क स्पेस पे गया होगा, वर्क प्लेस पे गया होगा, वहाँ पे काम कर रहा होगा। अब ये देखें, मैं माय जॉब इज टू रिले व्हाट आई हर्ड फ्रॉम दिस और व्हाट आई रेड फ्रॉम दिस पर्सन। अगर ऑडियंस के ऊपर है कि वो उसको कैसे देखना चाहते हैं, लेकिन उसने ये एक्सप्लेन किया। फिर मैंने उससे पूछा कि यार डू यू गाइस बिलीव इन गॉड। कहता हाँ, माय पेरेंट्स आल्सो बिलीव इन गॉड। तो फिर मैंने उससे पूछा कि यार तुम लोगों को डर नहीं लगता कि जब मर के तुमने अल्लाह ताला के पास ही जाना है। कहता है कि हम जाएंगे जहन्नम एंड इन द हेल इन हेल सेटन इज इन चार्ज। और आप देखेंगे कि हमारे बचपन में आप कार्टून्स भी जो देखते थे, टॉम एंड जेरी वाले कार्टून देखते थे, उसमें शैतान जो है ना वो दोजख के अंदर उसको सजा नहीं मिल रही होती, वो सजा दे रहा होता है। वो सॉर्ट ऑफ ही इज इन चार्ज ऑफ द हेल फायर एंड दैट इज हाउ द डेविल हैज डिसीव्ड दीज पीपल कि यार तुम मर के भी जाओगे ना तो कोई बात नहीं, यू आर कवर्ड। तो इस तरह उनको डिसीव किया गया। दिस इज न्यू, यू नो, दिस इज न्यू कांसेप्ट। हां सुभानअल्लाह, ये मैंने भी जब ये इससे बात करके मैं आई वाज टेकन अबैक। एंड देखें, ये तो एक केस, अभी जस्ट लास्ट मंथ मैं सैटरडे को अपना जो हलका कराता हूँ उसके बाद ना एक लड़का मेरे पास आया, मैं लड़के का नाम नहीं लूंगा बिकॉज यू नो मोस्ट प्रोबब्ली इज वॉचिंग एज वेल। वो मेरे पास आया और उसने कहा यार मेरे पास ना एक स्टोरी है, मुझे पहले किसी ने कॉन्टैक्ट किया था इस लड़के का, बताया, मैंने कहा आप उसको मेरे पास जो है ना भेज दो, हम उससे बात करेंगे बैठ के। ये लड़का जो है ये यूके में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, अपना बैचलर्स कर रहा था, एंड देयर ही फाउंड दिस गर्ल हु वाज ए सेल्फ प्रोक्लेम्ड सेटनिस्ट। ये लड़की थी, अपने आप को कहती थी मैं सेटनिस्ट हूँ, और इस लड़की का वही चक्कर था, उसकी फैमिली भी इसी चीज के अंदर इन्वॉल्व थी, पेरेंट्स और फिर ग्रैंड पेरेंट्स भी। कहता क्या मैं अपनी क्यूरियोसिटी के अंदर ना मैं इससे बातें करने लग गया, उसके साथ इसने एक रिलेशनशिप कायम कर लिया, सो ही स्टार्टेड यू नो गोइंग आउट विद हर। और वो कहता है कि यार ये लड़की जो थी ना ये अपने खून से दीवारों पे उल्टी पुल्टी चीज़ें लिखती थी, सिंबल्स बनाती थी। कहता है मैं उसके घर गया, उसके घर में जानवर जो थे बिल्लियाँ कुत्ते वो डिसएम्बर किया हुआ था उनको, उनकी इंटेस्टाइंस निकाली हुई थी उल्टा करके उनको लटकाया हुआ था घर के अंदर। दिस इज समथिंग दैट दिस ब्रदर ही एक्सपीरियंस्ड हिमसेल्फ, और उस लड़की ने इसको बताया था कि हम ये ह्यूमन सैक्रिफाइस वाले काम भी करते हैं। अच्छा, मेरे पास ये लड़का क्यों आया हुआ था, इसने उसको जब छोड़ दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, तो उसके बाद से इस लड़के को प्रॉब्लम्स होने शुरू हुई। मुझे उसने बताया कि फॉर एग्जांपल कभी कभार वो सो के उठता था
तो उसके बाजू पे ना इधर डीप सा एक लंबा सा कट पड़ा होता, जैसे जिसे किसी ने ना छुरी से कट मारा हो और खून सा निकल रहा है। अब वल्लाह आलम ये क्या है क्या नहीं है। उसने मुझे बातें करते करते बताया कि मुझे नींद नहीं आती, मैं सो नहीं सकता। मैंने कहा अच्छा, कहता मैं हफ्ते में 3 से 4 घंटे सोता हूँ। मैंने दोबारा पूछा, मैंने कहा कितना हफ्ते में कितना, 3 से 4 दिन में क्या हफ्ते में, कहता हफ्ते में 3 से 4 घंटे। तो मैंने फिर उसको कुछ ना कुछ एडवाइस किया और अल्लाह ताला उसके लिए आसानी करे, मगर यू नो हमारे पास ये लोग आते हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन हमें डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से डिफरेंट डिफरेंट जगहों से मिल रही है, अगर हम उसको डिनाई करें तो आई थिंक ये सारी मैच हो रही है हिस्टोरिकली स्पीकिंग। आप मायंस को पढ़ लें, सुमेरियंस को पढ़ लें, रिचुअल्स उनकी सैक्रिफाइसेस देख लें, इट इज प्रीटी मच सिमिलर। वो चीज इन वन फॉर्म और अनदर फॉर्म, वो बस शेप चेंज कर रही है, लेकिन असल में वो चीज वही है। और दूसरा देखे ना, कुरान मजीद से भी सारी बातें मैच हो रही है। अल्लाह ने चीफ डिसीवर कहा शैतान को, डू नॉट बी डिसीव बाय द चीफ डिसीवर बिकॉज ही सेज अबाउट अल्लाह जो कि तुम्हें नहीं बात करनी चाहिए। ही मेक्स यू से थिंग्स अबाउट अल्लाह, और वो इनके गैदरिंग्स में, जैसे उन्होंने कहा मेहदी को गाली दो और ये और वो, ये तो कुरान कह रहा है कि वो तुमसे ऐसी बातें कहलवाता है अल्लाह के बारे में। और फिर शैतान जो है वो इंसान की शक्ल में भी आ सकता है। और ये सिंगर्स ने बकायदा कहा कि हमने तो द मैन, जैसे ज़िया भाई ने कहा ना, ही इज द मैन, उससे हमने मुलाकात भी की है और ये वो। तो ये इतना कुछ जब मैच हो रहा है, How can you deny such a thing? वो सारी डॉक्यूमेंट। दीन की बात फैलाना सदका जारिया है। सवाब की नियत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकअल्लाह।